बुधवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भैरों सिंह शेखावत की जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भैरों सिंह शेखावत का लंबा संघर्षमय जीवन रहा है। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हमेशा याद किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने AWS पर राजस्थान सरकार के फैसले को केंद्र सरकार को भी लागू करने की नसीहत दी। अशोक गहलोत ने कहा कि AWS को लेकर हमने जो फैसला किया है, वही फैसला केंद्र सरकार को भी करना चाहिए ताकि पूरे मुल्क के अंदर इस वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके। यह मेरा मानना है। मुझे गर्व है कि 20 साल पहले कैबिनेट के अंदर हमने फैसला किया 14% का आरक्षण मिलना चाहिए। तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने पत्र लिखा कि आप लोकसभा में संशोधन करवाएं। हम पूरी तरह प्रयासरत हैं कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं ऑनलाइन मिलें और राजस्थान IT के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। आम जनवरी की सहूलियत, समय की बचत, पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक नागरिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए इसका उपयोग हो ताकि आमजन को ऑफिसेज के चक्कर नहीं लगाने पड़े। राजस्थान सरकार ने खत्म किया संपत्ति का प्रावधान। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर 10% EWS आरक्षण दिया गया है, जिसमें बाधा बन रही भूमि और भवन संबंधी प्रावधान को राजस्थान सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक आय ही इस आरक्षण के लाभ का आधार बनेगी।